देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले दिन से खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे संथाल परगना में कब्जा करके रखा है, अब तो ये झारखंड के दूसरे जिलों में भी पहुंच गए हैं। आप एक चीज खाली इससे अंदाजा लगाएं कि संथाल परगना में दो पिछले जो जनसंख्या के सर्वे हुए थे उसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% बढ़ गई है, और लास्ट टू सर्वे की अगर तुलना करें तो सिर्फ पाकुड़ जिले में, जो बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी 42% बढ़ गई है। तो कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टिकरण करने वाले राजनीतिक दल ने इन घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दिया बल्कि उनके वोटर आई कार्ड भी बना दिए और उनको एक तरीके से नागरिकता देने का प्रयास किया है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट किया है कि संथाल परगना में NRC होगी जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी राजसंग उठाना चाहिए और ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं ये झारखंड के अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण की सारी योजनाओं को यही डकार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।